हरियाणा में किसका पलड़ा होगा भारी, कितनी टाइट है फाइट, इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के 8 महीने के बाद विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। लोकसभा के लिए देश भर में 7 चरणों में मतदान हुआ था, जबकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतलब करीब 4 महीने के बाद हरियाणा के लोग अपने राज्य के लिए सरकार चुनेंगे। साल 2014, 2019 और 2024 लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने जिस हिसाब से वोट दिए हैं, उनके एनालिसिस करने पर विधानसभा नतीजों की जो तस्वीर बनती है उसमें बीजेपी की राह फिलहाल आसान नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये स्थिति तब के लिए होगी जब वोटिंग पैटर्न पिछले जैसा ही रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में सबसे अहम बात ये दिखती है कि इन सभी चुनावों में राज्य में लड़ रहे दोनों मुख्य पार्टियों के बीच हार जीत का अंतर लगातार घटा है, यानी कि मुकाबले कड़े हुए हैं। 2019 के लोकसभा नतीजों को विधानसभा बार करके देखा जाए तो उस समय सबसे कड़े मुकाबले वाली 30 सीटों पर जीत हार का अंतर सिर्फ 13.3% के वोट शेयर का था, जो 2024 में घटकर 3.8% आ गया। 2019 में आए लोकसभा नतीजों को अगर विधानसभा सीटों में बदल कर देखा जाए तो राज्य की 90 में से 79 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के हिस्से में आती हैं, यानी कि 90 में से 79 बीजेपी के हिस्से में आती हैं, वो भी जीत का एवरेज अंतर 50,000 वोटों का रहता है। कांग्रेस को स्थिति में 10 सीटों पर जीत मिलती और उसकी जीत का एवरेज अंतर 32,000 होता। इस लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो 90 में से 73 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती नजर आई थी, यानी कि वो दूसरे स्थान पर रही थी। कुल 11 सीटें ऐसी थी जिन पर हार जीत का अंतर 10% से कम था। बहरहाल 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को लोकसभा जैसे समर्थन नहीं मिल पाया। पार्टी को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो वो बन के निकली, लेकिन बहुमत से 6 कम 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को 31 सीटें मिली, जेजेपी को 10 और इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट हासिल हुई। मतलब जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, वैसे नतीजे विधानसभा चुनावों में नहीं रहे हैं। यहां पर बीजेपी का जीत का एवरेज अंतर 17,000 पर आ गया, जबकि कांग्रेस की जीत का एवरेज अंतर लगभग 13,000 पर आ गया था। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव में वोटर्स का मन बदला, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें दे दी। अगर इस नतीजे को विधानसभा बार समझने का हम प्रयास करें या कोशिश करें तो प्रदेश में 33 सीटें ऐसी नज़र आती हैं जहां पर जीत का अंतर 10% से कम रहा है। इस तरह की बीजेपी की 17 और कांग्रेस की 13 सीटें रही हैं और बाकी सीटों पर अन्य थे। लेकिन अब 5 अक्टूबर को आपको समझ आएगा कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने हैं, 8 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या गठबंधन होगा, इस पर संशय बरकरार है। हालाँकि कांग्रेस की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।